सांकरी अभी जस्ट सुबह उठा, ये भाई 5:19 बजे, अभी पैक कर लेते हैं, एक बैग में जमा कर दूंगा और एक लेके जाऊंगा, तो अभी ड्रेस पहन लेते हैं और पैक कर लेते हैं। जो रूम है ना मेरा, ये रूम देख लो, ऐसे ही रूम है। ऑल सेट। अभी ये ग्लव्स जो है ना, डबल ग्लव्स है, एक अंदर डाला हुआ है, ये दो पहन लेता हूँ। मोबाइल चार्ज हो गया, चार्जर डाटा केबल डाल लेता हूँ, चार्जर इसमें डालता हूँ। तो जो है ना, ये बैग एक होटल में रहेगा, एक ये मैं लेके जा रहा हूँ, ये बड़ा वाला स्टील वाला, और एक ये ले रहा हूँ, और स्टिक रेडी है, मोबाइल डाल देता हूँ। गाइस अभी यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क मिला है, मम्मी से बात कर लेता हूँ। सुबह सुबह मम्मी उठी भी नहीं, पता नहीं, बात कर लेता हूँ। फोन तो लग रहा है, बात कर लेता हूँ, 4 दिन बात नहीं हो पाया। मम्मी तो कॉल ही नहीं उठा रही है, एक बार कॉल लगाता जाऊंगा। तो ये बैग रख दूंगा मैं, ये रहा, और ये भी शूज है, ये रख दूंगा और निकल जाएंगे। गाइस अभी नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता दे रहा है अभी ब्रेड जैम। अभी ये देखो सांकरी का व्यू, ये देखो ब्रेड जैम लिया मैंने और इसमें गर्म पानी भर लिया मैं। बाकी सब नाश्ता कर रहे भैया, नाश्ता कर लेते। मस्त पेट भर के खाना खा लिया मैंने ऐसे तो खाली ब्रेड जैम लिया और कॉफ़ी लिया, बाकी कुछ लिया नहीं। केला मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे भी थोड़ा कफ का थोड़ा इशू रहता है, तो मैं केला नहीं ले रहा हूँ। अभी गर्म पानी भर लिया, बट ये गर्म कितना टाइम तक रहेगा देखते हैं। ओके गाइस, मैंने एक थर्मल ले लिया नीचे वाला, ऊपर का तो मैंने डिकैथलन से लिया था, ये 350 का लिया है, और दो ऑर्बिट लिया है सुबह का, ब्रश कौन करेगा, च्युइंगम टाइप का है तो ये यूज हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सुबह का करना होता है, आप लोग समझ गए होंगे, उसके लिए पानी में हाथ डालना मतलब ना हाथ है ही नहीं, उसके लिए ये ज़रूरी ही है। तो ये 40 रुपीज़ का तो ये ले लिया मैंने। तो सैया ये बताना था आप लोग, अगर पानी नहीं जो पानी यूज कर सकता है, जो इतना हार्ड है भाई बंदा, तो ज़रूर पानी यूज कर लेना, लेकिन नहीं तो ये ज़रूर साथ में ले लेना, आगे चलकर नहीं तो दिक्कत हो सकता है ना। अभी तैयार हो गए काफ़ी सारे, ये देखो ऊपर जो है ना, ये सब भी लेके जा रहे हैं, सब्जी तेल, और वहाँ पर गैस सिलेंडर है, जो भी कुछ मतलब 4 दिन का सामान लगेगा वो सब लेके जा रहे हैं साथ में। और ये शायद मेरे को लग रहा है ये घोड़े के ऊपर शायद डालेंगे। ओके गाइस, एक बात बताना भूल गया, जो सामान लेके खुद नहीं जा सकते हो तो वो मूल कुछ बोलता है, जो खच्चर लेके जाते हैं, तो उसका प्राइस जो है ना 1200 रुपये लेता है, ये लोग 10 से 20 केजी के अंदर 1200 रुपये लेते हैं।
ओके गाइज, अभी जो है ना टैग दे रहे हैं, तो टैग सब लगाएंगे एक ही सारी का। जो हिमालय ट्रैकर्स का जो भी ट्रैकर्स है सब एक ही टैग लगाएंगे, ताकि सबको वहाँ ऊपर पता चल जाए कि हाँ ये हिमालय ट्रैकर्स वाले है ना। ओके गाइज, अभी जो है ना ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर रुके गाइड के लिए, लेकिन गाइड तो आ ही नहीं रहे। हमारा गाइड नीचे किधर बता नहीं रहे गए, इतने जन तो हम वेट कर रहे हैं गाइड के लिए। ट्रैवल मतलब दो चार एक साल से कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं किया हमारा। चल चला दो। हाँ स्टार्टिंग किया इधर, स्टार्टिंग किया। मज़ा मतलब अभी क्या करे, कोई नहीं जाते, जाएगी तो निकलना पड़ता है। मैं मुंबई से हूँ। मैं जॉब करता हूँ अभी। देखो ये सब हमारे ग्रुप के ही है, ये पीछे है मेरे और ये आगे है, सब अभी चढ़ेंगे सब। चढ़ने में फट गई, सांस बहुत फूल रही है। मैंने जैकेट निकाल दिया, थर्मल में ही हूँ, गर्मी लग रहा था। फास्ट रेस्ट पॉइंट आ गए, यहाँ पर रेस्ट करेंगे और रेस्ट करते हैं थोड़ा। गाइस अभी जो है ना 11:20 हो गया, अभी यहाँ पर एक कैंप साइट है, कुछ ढाबे भी कुछ है, आगे तो बर्फ ही बर्फ है गाइस। मज़ा भी आ रहा है, मैं अपने दोस्त लोग के साथ आता तो और भी मज़ा होता, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सबको साथ में लेके आऊँगा, फुल मज़ा करेंगे और भी।
मज़ा आ गया देख के। कुछ टाइम यहाँ पर बैठता हूँ। गाइस ये देखो काफ़ी सारे टेंट लगा हुआ है, जुड़ा खुदा तक पहुँचने वाले हैं अभी। अभी देखो मैं नीचे आ गया, ये नीचे तो झूला का तालाब है, जाता हूँ देखते हैं। ये पूरा बर्फ ही है क्या? ओ भाई ये तो पूरा बर्फ है, ये देखो पूरा बर्फ है। मैं स्लोली ही जाता हूँ, डर तो लग रहा है, पूरा बर्फ है भाई। एक फ़ोटो लेना चाहिए था यहाँ से, क्या करूँ, फ़ोटो के लिए सिंगल हूँ। देखो सोलो में ऐसे ही दिक्कत होता है कि फोटो नहीं ले सकते। ओके गाइस अभी जो है ना ये टेंट मिल चुका है, ये टेंट इस तरह से है अंदर से, और ये स्लीपिंग बैग भी दे दिया है ना, और ये स्लीपिंग बैग दो तीन एक्स्ट्रा भी पड़ा है। फिलहाल सो जाऊंगा मैं, थोड़ा रेस्ट करूंगा, ऐसे सोऊंगा नहीं, रात को तो ऐसे सोए नहीं गाइस ना, नहीं तो रात को क्या करेंगे। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बाहर थोड़ा निकलता हूँ। गाइस ये देखो टेंट के थोड़ा बाहर स्नो पड़ा है, क्या सीन है। निकलता हूँ यहाँ से, ये जो है ये जुड़ा का तालाब पूरा बर्फ से जरा जमा हुआ है पूरा, और इसके बाद अभी खाना देगा, फिर टेंट में रहेंगे और फिर रात को ब्लॉग को एंड करूँगा। अभी नहीं, खाना क्या खाएंगे और फिर सो जाएंगे है ना, कल सुबह सुबह फिर ट्रैकिंग करेंगे। चलो गाइस, ओके गाइस अभी जो है ना मैं टेंट के अंदर आ गया, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा अंधेरे में, तो इस ब्लॉग को मैं अभी एंड कर देता हूँ। कल नया एपिसोड में मिलते हैं, कल नया दिन है, दूसरा एपिसोड आप जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहना और सबको प्यार देना। लव यू ऑल।